अब मंच पर हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है शिंदे साहब, पिछले साल जब हमने ये कार्यक्रम किया था, नवा साल था, आप इस मंच पर आए थे और इस मंच पर आकर के आपने एक वादा किया था और वो वादा ये था कि मैं महाराष्ट्र का हेल्थ बजट, हेल्थ की तरफ हमारा, स्वास्थ्य की तरफ हमारा थोड़ा रुझान ज़्यादा रहेगा, हम वो बजट बढ़ाएंगे। आज क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि वो वादा आपने पूरा किया है? मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। वाह। और ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, देश ने भी देखा है, फिर उसमें नफा नुकसान की चिंता नहीं करता हूँ। एक सिद्धांत होता है और हमारे राज्य का फायदा किस में है, राज्य के लोगों का हित किस में है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आपने सही कहा, आपको बराबर याद है और मुझे भी बराबर याद है। अच्छा, याद है। कि हेल्थ में जो बजट है, मतलब हेल्थ सेवाएं बढ़ाना, बजट बढ़ाना मतलब हेल्थ सेवाएं बढ़ाना। करेक्ट। पहले तो मैं आपको ये आपका जो प्रोग्राम है बनेगा स्वस्थ भारत जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। संजय जी है, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, NDTV और डेटॉल ये मिलकर काम कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है? रैकेट। इनको भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से 10 साल से ये कार्यक्रम आप उसका आयोजन कर रहे हैं और विषय भी अच्छा है, स्वस्थ भारत। और कल ही स्वच्छ भारत की मुहिम पूरे देश में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, स्वच्छ ही सेवा है और आरोग्य से ये रिलेटेड होता है। स्वच्छता हो वहाँ आरोग्य आता है, स्वच्छ नहीं हो तो फिर सब कुछ गड़बड़ होती है, इसलिए सफाई तो जरूरी है। और कल पूरे देश में सभी जगह पर लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद रास्ते पे उतरे थे झाड़ू लेकर, हम सब लोग, सभी राज्य के लोग, सभी मुख्यमंत्री, मैं खुद भी था और हमारे सब लोग, लगभग 72,000 जगह पर ये स्वच्छता मुहिम कल महाराष्ट्र में आयोजित की हुई थी। कहने का मतलब यह है कि स्वच्छता जो है वो आरोग्य का मूल मंत्र है, हेल्थ का। तो इसलिए आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, पिछले 10 साल से कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और जो विषय आपका है लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है, और मैं पिछले साल भी आया था और ये भी मैं कहूँगा कि जो मैंने कहा था कि ये हेल्थ में ज़्यादा हम काम करेंगे, हमारा राज्य ज़्यादा काम करेगा, ये आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हमारी सरकार ने पूरे राज्य में आज हेल्थ सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है। आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे जो माता बहनें हैं, जो हमारे परिवार के प्रमुख होती है, वो काम में व्यस्त होने की वजह से अपनी जांच करवाना या हेल्थ चिकित्सा करवाना वो भूल भी जाती है और उसको ज़्यादा महत्व देती नहीं। इसलिए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पहले एक प्रोग्राम हाथ में लिया, हमारे महिलाओं का हेल्थ चेकअप, 4,60,00,000 महिलाओं का चेकअप हो गया, हेल्थ चेकअप, जो प्रिवेंटिव की दृष्टि से बहुत बड़ी बड़ी बात है। और उसमें कई महिलाओं को जो डायग्नोसिस में प्राइमरी स्टेज में कुछ बीमारियां होती है तो उस पर इलाज भी संभव है और वो ठीक भी हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने बच्चे लोगों का भी जो है उनकी जांच करवाने का काम किया, युवाओं का जांच करवाने का काम किया, सब फ्री में, मुफ्त में। और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है। और उसके साथ जो हर एक को चिंता होती है कि हमारा जब परिवार में कोई बीमार हो तो उसका इलाज कैसे हो, तो हमारी सरकार ने 1,50,000 का महात्मा ज्योतिबा फुले योजना जो थी, 1,50,000 की, आयुष्मान भारत की
प्रधानमंत्री जी की 5 लाख की है, जो 1.5 लाख की जो योजना थी उसको हमने 5 लाख कर दिया। अभी 5 लाख तक परिवार का कोई भी सदस्य मुफ्त इलाज कर सकता है, और पहले उसमें कैटेगरी थी कोई पीला रेशन कार्ड, केशरी रेशन कार्ड, अभी सब हमने हटा दिया। अमीर से लेके गरीब तक सब लोग 5 लाख रुपए तक ये इलाज मुफ्त में होगा। दूसरे बात हमने ऐसी की कि किसी को लगता है अस्पताल में जाऊंगा थोड़े तो पैसे भरने पड़ेंगे, केस पेपर निकालना है उसका भी पैसा है, कुछ ट्रीटमेंट का, कुछ ऑपरेशन के थोड़े पैसे भरने पड़ते, तो हमारी सरकार ने गवर्नमेंट के जितने भी अस्पताल हैं उसमें कैशलेस सेवा देने का निर्णय लिया है, जिसके जेब में 1 रुपया भी नहीं हो वो जाए अस्पताल में अपने इलाज करवाए। ये देश में पहला राज्य है जो ये हमारी सरकार ने किया है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो जैसे मोहल्ले होते हैं, झुग्गी झोपड़पट्टियां होती है, चौल सिस्टम होती है, जहाँ गरीब तबके के लोग, सर्व सामान्य लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनको टेंशन होता है क्या करे, बुखार आए क्या करे, तो पैसे कहाँ से लाए, तो उनके घर के बाजू में ही बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना ये हमने शुरू किया मुंबई में 160 जगह पर, और पूरे राज्य में 700 जगह पर ये बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना शुरू किया है। उसमें MBBS डॉक्टर है, वहां पर एक स्टाफ नर्स है, बाकी एक वार्ड बॉय है, ऐसे 4 लोगों का स्टाफ है। जहाँ स्ट्रक्चर नहीं, बिल्डिंग नहीं, वहां पर 3 कंटेनर लगते हैं, एयर कंडीशन कंटेनर, वहां जाते लोग और इलाज करवाते, गोलियां दवा जो है मुफ्त मिलता है, और 137 प्रकार के जो टेस्ट है वो फ्री होती है। मतलब अभी तक 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाया है। ये योजना जो है इसमें और कई योजना है हमारी, मैंने आपको बताऊंगा कि आज जो महात्मा ज्योतिबा फुले उनको ये तो कहा मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्ष जो है, जो तुरंत पैसे हम देते हैं, मतलब किसी का ऑपरेशन है तो पिछले 2.5 साल में, मैं आज किसी के ऊपर टिका टिकापनी नहीं करूंगा, लेकिन 2.5 साल में 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बंटवारा हुआ था। मतलब जो तत्काल उनको चेक हम दे सकते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, मेरे कार्यकाल में 1 साल में 124 करोड़ रुपया का बंटवारा किया है उनको इलाज के लिए, 124 करोड़। मेरे पास लोग आते हैं, फला फला ऑपरेशन है उसके लिए पैसे चाहिए, आपको बताऊंगा मैं कि मैं ऑफिस में होता हूँ, मंत्रालय में होता हूँ, घर पे होता हूँ, या गाड़ी में होता हूँ, कहीं भी कार्यक्रम में होता हूँ, तो जैसे मुख्यमंत्री सहायता निधि का फॉर्म मेरे सामने लेके आते हैं तो मैं तुरंत साइन, पेन निकालता हूँ, साइन करता हूँ, क्योंकि मेरे एक साइन से उसकी जान बच सकती है। इसलिए 124 करोड़ रुपया साल में दिया है, कम से कम 67,000 मरीज को, मतलब 67,000 मरीज को ये भी दिया है, मतलब तो ये जो है मरीजों के लिए हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात है यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड बांटा है, और उसमें 5 लाख रुपए तक मैंने जो कहा अभी, और इसमें जो हमारा वैद्यकीय कक्ष है बाला साहेब ठाकरे जी के नाम का, उसमें भी देखो पूरे राज्य में जहाँ भी कितने कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप लगते हैं, वहाँ मुफ्त में दवाई होती है, कई डॉक्टर जो है वो डॉक्टर वहाँ अपना समय देते हैं। ये शहर राज्य में 250 से ज़्यादा जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत होती है तुरंत, अपना सरकार की तो 108 है, लेकिन 250 एम्बुलेंस भी दूर दराज के गांवों में लोगों को उसका जिसका फ़ायदा हो इसके लिए उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ऐसे कई निर्णय जो कुपोषित एरिया जो है, जैसे वहाँ पर लोगों के लिए सुविधा आवश्यक है वो सुविधा देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसी कई योजना अपने सरकार ने की हुई है, जैसे प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत जो योजना है,
उसके तहत ये जो 5 लाख की योजना बहुत ही लोगों को फायदेमंद होगी। मतलब आपने कहा था कि हेल्थ बजट बढ़ाएंगे, दुगना करेंगे, मेरे ख्याल से तिगना चौगना हो गया है। तिगना चौगना हो गया है, बिल्कुल नहीं। ये मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात है कि इंडिविजुअल को मदद हो जाए, इसमें तो केंद्र और राज्य के स्तर पर आप लोगों ने काफी काम किया है। मेरा एक सवाल दूसरा है, वो ये है कि देखिए मिजाज से महाराष्ट्र के लोग सफाई पसंद हैं। अब गांव खेड़े में चले जाएं, घर उनका बड़ा साफ मिलेगा, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ और सफाई का मसला है, खास करके महाराष्ट्र के बड़े शहरों में आबादी ज़्यादा है, चाहे जो भी वजहें हैं, वहाँ पर बीमारी, सफाई, स्वच्छता का संबंध है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बाढ़ आ जाती है, सीवेज सिस्टम साफ नहीं है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस पर मुझे लगता है कि चैलेंजेस बड़े हैं और बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपका सही कहना है कि रोड अच्छे हो जाते ऊपर से, लेकिन अंदर जो सीवरेज सिस्टम है वो अगर नहीं रहे, मतलब पेट खराब रहे तो आदमी का हेल्थ ही खराब हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी रोड बनेंगे उससे पहले सीवरेज सिस्टम हम बनाएंगे, ताकि लोगों का जो सीवर जो है वो पाइपलाइन से जाए, उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। आज आपको मैं मुंबई का उदाहरण बताऊंगा, जो एसटीपी प्लांट के पिछले 15-20 साल से रुके पड़े थे, जैसे हमारी सरकार आई तो यहाँ एसटीपी प्लांट जो है 22,000 करोड़ रुपए के, बीएमसी के बता रहा हूँ, जो पानी ऐसे समुन्द्र में बह रहा था, छोड़ा जा रहा था, उसके ऊपर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारी सरकार आने के बाद, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, उसके ऊपर अभी काम शुरू हो जाएगा। आप देखते हुए झुग्गी झोपड़पट्टियों में यहाँ पर रोड नहीं है, खड्डे जो है पोटोल का हमेशा आपको हर बारिश में तकलीफ होती है, उससे भी कई बीमारियां होती है, पानी जमा होता है। तो हमारी सरकार आने के बाद पहले कमिश्नर को बुलाने के बाद मैंने कहा है, भैया ये हर साल ये गड्ढों का सामना करना पड़ता है लोगों को मुंबई में, और लोगों को ये हर साल बारिश में परेशानी होती है, सरकार की भी बदनामी होती है, कॉरपोरेशन की बदनामी होती है, इस पर क्या कर रहे हो? तो बोले अभी तक हर साल हम 50 किलोमीटर कंक्रीट के रोड बनाते। मैं आपको बताऊंगा कि उनको मैंने पूछा कि रोड कितने बचे हुए हैं, तो बोले 900 किलोमीटर है। मैं बोला 900 किलोमीटर हम क्या साथ में नहीं ले सकते? तो बोले ले सकते हैं। तो बोले फिर कि इंतजार किस बात का है? तो आपको बताऊंगा 500 किलोमीटर के रोड हमने तुरंत उसको आदेश दे दिया, उसके टेंडर निकल गए, काम शुरू हो गया। अभी अगले 400 किलोमीटर है, अगले नेक्स्ट फेज में वो भी हो जाएगा, और अगले 2-2.5 साल में मुंबई विल बी पोटोल फ्री नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, पूरी तरह खड्डे मुक्त हो जाएगी। और ये जड़ वाली बात है। अब आपको बताऊंगा मैं कि मैं कल एक जगह पे गया था, मैं चौपाटी में जो हमारी मुहिम थी स्वच्छ भारत की, मोदी जी की संकल्पना से शुरू हुई, उसके बाद मैं एक सरप्राइज विजिट की कुर्ला में। कुर्ला में मैंने किसी को बताया नहीं, कमिश्नर को बोला मैंने, चलो मुझे वहाँ जाना था। इसलिए आपका जो सवाल है कि वहाँ जो ड्रेनेज है, वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स है, वहाँ की अंदर की गलियाँ है, उसकी हालत क्या है, वहाँ का ड्रेनेज क्या है, क्या रोड तो बड़े बड़े अच्छे रोड तो साफ सफाई करते हैं लोग, वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ अलग देखने को मिला। और वहाँ के लोगों ने काफ़ी मेरे पास शिकायतें भी की, या लोग सफाई के लिए कम आते हैं और ऐसी गंदगी यहाँ पर है, इसलिए बीमारी का जड़ जो है ये झुग्गी झोपड़पट्टियाँ है। इसलिए मैंने कमिश्नर को कल ही कहा है, मुझे 1 महीने के भीतर जितने भी ऐसे स्लम्स है वो पूरे आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक DPR तैयार करो, वहाँ किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट जो है एक बार सफाई से नहीं काम होता है, मैंने कहा 5 बार सफाई होनी चाहिए। तो ये सब कल ही मैं करके आया हूँ। सर पिछले 10 साल से मुहिम शुरू हुई है यहाँ पर, और मुझे भी इंडस्ट्री में 10 साल हुए, 1 दशक यहाँ पर मैंने काटा है। बनेगा स्वस्थ इंडिया एक बहुत क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर
हमने ग्रास रूट लेवल के लोगों से भी बात की है, यहाँ तक कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठे हैं। तो सर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगले 10 साल में ऐसी क्या चुनौती है हेल्थ को लेकर या हाइजीन को लेकर जिसका ध्यान गवर्नमेंट को केंद्रित करना चाहिए? देखिए, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। हम कोविड में उसको सबने देखा है कि हमारी जो हेल्थ सिस्टम कहाँ पर है, कहाँ तक हम लोग है। और ये जो बरसात में साथी के बीमारियाँ होती है, मलेरिया, डेंगू, ये सब जो बीमारी है, इसका मूल कारण है स्वच्छता। और स्वच्छता सब जगह होनी चाहिए, और हाइजीनिक की बात आपने की हुई है, तो इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि ये सरकार ने अभी पूरा फोकस जो है स्वच्छता के ऊपर और लोगों के हेल्थ के ऊपर, जितने हेल्थ इश्यूज है इससे रिलेटेड जो जो बातें हैं उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और ये बनेगा स्वस्थ भारत, ये जो अभियान है NDTV का, ये हर राज्य ने किया है, और हेल्थ के ऊपर बहुत हम काम कर रहे हैं, और इसका नतीजा आगे अब हमें देखने को मिलेगा। मिस्टर जैन, यू आर रिलेंटलेस टूवर्ड्स दिस कैंपेन, एंड आई थिंक जितना आपने इसको दिया है, इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। वन वर्ल्ड हाइजीन, वासुदेवाय कुटुंबकम, टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। वन वर्ल्ड हाइजीन हम बात करते हैं, बनेगा स्वस्थ इंडिया में, हाउ यू टेकिंग दिस फॉरवर्ड, ये हम अचीव कैसे कर पाएंगे? Ayushman ji, we chose this theme because one is it echoes the very successful presidency of India in the latest G20. The theme was Vasudev Kutumbakam, which means the world is one. And in the G20 health minister meeting, this concept brought a lot of traction, and it came about. I think in the morning I heard Srimati Murmu ji also talking about one world hygiene. So basically what it means is that and the pandemic showed us that the world is one when it comes to pandemics, when it comes to disease. And you could stop the disease in one part of the world, there's no way you'll stop the disease everywhere else. And I think initially during the pandemic, everybody, all the health ministries of the world were working in quite a bit of silos. Log apni apni dawaiyan, apni apni research apne paas rakh rahe the. And I think towards the end, jab sabne ye sab cheeze share karna shuru kiya, और उससे इंडिया ने आई थिंक 300 मिलियन वैक्सीन जो दुनिया को दी, आई थिंक इट प्लेड अ मेजर रोल इन स्टॉपिंग द पैंडेमिक ग्लोबली, बिकॉज देयर इज नो वे कि आप, सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग दिस, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इज वन। इट्स टू मी इट्स नॉट अ स्लोगन, इट्स अ कमिटमेंट टू मेक अ हेल्दियर, क्लीनर, सेफर वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर। एंड आई थिंक देयर आर 3 or 4 कॉन्सेप्ट दिस टॉक्स अबाउट। इट टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड बीइंग वन, एंड ग्लोबल हेल्थ इज लोकल हेल्थ। It talks about the concept of empathy and equity. I think it's a major problem in developing nations versus developed nations. The access to healthcare, access and is very different. And this whole concept talks about bringing that equity across the world. It talks about prevention is better than cure. I think somebody in the panel was talking about it. हम लोग इसकी बात करते हैं, हम करते नहीं हैं। हम सब सुनते हैं कि prevention है, बट हम कुछ करते नहीं हैं। एंड आई थिंक देर आर इनफ स्टडीज एंड रिसर्च टू शो कि अगर आपने प्रिवेंट कर लिया, द अमाउंट ऑफ बर्डन यू कैन स्टॉप ऑन द हेल्थ केयर सर्विसेज, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, और सारी गवर्नमेंट्स को जो फायदा हो सकता है, और मिलियंस ऑफ रुपीज विल बी सेव एंड कैन बी फोकस्ड ऑन द बिगर प्रॉब्लम्स इफ वी डू दिस। एंड देन इट टॉक्स अबाउट एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड हाउ डू यू इनकलकेट मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू क्रिएट अ हेल्दियर, सेफर वर्ल्ड। सो हमारी मुहिम वही है, हमारी मुहिम है प्रोएक्टिव एंड प्रैक्टिस हाइजीन, हमारी मुहिम है वर्क एज चेंज एजेंट्स, हमारी मुहिम है सपोर्ट ग्लोबल इनिशिएटिव्स। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, और हम उसको और कितनी जोर से इस कॉन्सेप्ट को एम्ब्रेस करें, जो कि अब सब गवर्नमेंट्स एम्ब्रेस कर रही हैं, दैट इज आर स्मॉल वे ऑफ सेइंग कि हमें इस चीज में जाके और तेजी से ग्लोबली काम करना चाहिए। सो दैट्स बेसिकली इट। ये जो बात सही है, जैसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल से 8 साल पहले ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, 15 लाल किले से उन्होंने अनाउंस किया, और 2 अक्टूबर से
काम शुरू किया, खुद झाड़ू हाथ में लिया, तभी कई लोगों ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है। लेकिन जब लाखों लोग उस मुहिम में शामिल हो गए और हर एक बच्चा बच्चा उसमें शामिल हो गया, और तभी जाके हम कल का जो कार्यक्रम भी किया है, तो इसका नतीजा जो है ये 8-10 साल लगे। इसलिए आपका कहना बराबर है कि हम जो सोचते बोलते करते नहीं, उसको करना जरूरी है और हर एक की इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी जरूरी है। और ये मतलब हर एक को एक एक मूवमेंट की तरह देखना चाहिए, सिर्फ एक स्वच्छ भारत अभियान नहीं, एक मूवमेंट बननी चाहिए। वो अभी मूवमेंट बन गई है और इसलिए किसी ने तो इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और सब लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए G20 का भी आपने जिक्र किया है, G20 के माध्यम से भी हमारे देश को पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करने का काम हुआ है। मैं ये मुंबई में भी ये बताऊंगा कि G20 का समिट था, महाराष्ट्र में समिट था, तो और दिल्ली में भी उस कार्यक्रम में मैं जब G20 की काउंसिल थी वहाँ मैं मौजूद था। हमें हर एक देशवासियों को गौरव है, एक गर्व है, अभिमान है कि वहाँ पर पूरे दुनिया के देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, सब लोग वहाँ पर, उसके प्रमुख लोग हमारे दिल्ली में इस G20 के काउंसिल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जगह पर लाने का जो काम किया है, और हमारे देश को जो G20 की प्रेसिडेंटशिप मिली है वो भी हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमें हमारे देश को दुनिया के सामने एक एक्सपोजर का हमारे को हमें मौका मिला है। और इसीलिए ये बात शुरुआत होती है स्वच्छता से ही, आगे बढ़कर हाइजीनिक की बात है, ये सभी जो बात है, ये डिटॉल तो आपका तो हर जगह लगता है सफाई के लिए, वो किसी भी तरह की तकलीफ में, बीमारी में जरूरत पड़ती है, वैसी हर क्षेत्र की सफाई जो है आवश्यक है, राजनीति में भी वो सफाई आवश्यक है। और जो एक साल पहले हमने उसकी शुरुआत की, कई लोगों को गोलियां मतलब दवाई की गोलियां, कई लोगों के इंजेक्शन की आवश्यकता थी, कई लोग बीमार थे, फटाफट खड़े हो गए, घूमने लगे सब जगह पे। तो राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन NDTV जो पिछले 10 साल से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ जी, जब भी कुछ आपको सजेशन हो, जो भी राज्य के जनता के हित के लिए कुछ करना हो, तो हम तो कर ही रहे, लेकिन आप भी कुछ सजेस्ट करोगे तो बिल्कुल उसे भी अमल हम करेंगे, क्योंकि आपका जो ये प्रोग्राम जो है हेल्थ का इशू लेकर पिछले 10 साल से होता है, कई कॉन्क्लेव होते हैं, कई एग्जीबिशन होते हैं, उसमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू होते हैं, अलग अलग विषय को लेकर कॉन्क्लेव भी हो जाते हैं, एग्जीबिशन हो जाते हैं, लेकिन ये जो NDTV ने और डेटॉल, इन्होंने जो पिछले 10 साल से एक ही इशू को पकड़ के रखा है कि लोगों के हित का, लोगों के हेल्थ का, इसमें इसलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद।